हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ये वीडियो जो होने वाली है थोड़ी सी अलग है हटके वीडियो है बिकॉज मैंने इस टॉपिक पे अभी तक आपसे कभी भी पर्टिकुलरली बात नहीं करी है कुछ साइड में कुछ फोटोज चलते हुए दिख रहे होंगे इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरी फेस की कंडीशन है जो कुछ समय पहले लाइक like, मार्च में फेबररी में मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी थी और अब मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी है जैसा आप कैमरे पे देख सकते हैं मेरी स्किन अब प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है कोई भी पिंपल और एक्ने नहीं है और इवन उसके स्पॉट्स भी नहीं है उसके स्पॉट्स भी क्योर हो चुके हैं लाइक तीन दिन के अंदर वो कंट्रोल में आ गए थे कंट्रोल में आने के बाद जैसे जैसे फिर मैंने उसको क्योर किया तो लाइक सात से ग्यारह दिन के अंदर वो बिल्कुल ही क्लीन हो चुके थे आज ये नेचुरल रेमेडी नहीं है बट आई यूज़ टू प्रोडक्ट जिन्होंने मुझे हेल्प करी इस चीज़ को क्योर करने के लिए मैंने उस टाइम जब मुझे ये एक्ने हुए तो मैंने अपनी फेस के ऊपर सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया था लाइक like, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी बिकॉज आई नो कि ये रिएक्शन एक मैंने सिरम यूज़ करा था गुड वाइब्स का उसकी वजह से हो गया था सो so, उस चीज़ को क्योर करने के लिए मैंने कोई भी नेचुरल रेमेडी यूज़ नहीं करी बिकॉज मुझे बहुत डर था कि ये रिएक्ट ना कर जाए उसके साथ सो so, इसलिए मैंने दो प्रोडक्ट यूज़ करे अपनी फुल प्रॉपर मैंने अपना जितना भी स्किन केयर रूटीन था बंद कर दिया मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि अगर कभी आपके फेस की कंडीशन किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ऐसी हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं सो so गाइस मैंने क्या किया था फर्स्टली मैंने सौरा जितनी भी चीज़ें मैं अलग अलग यूज़ कर रही थी मैंने सब यूज़ करना बंद कर दिया था देन आई स्टार्ट वॉशिंग माई फेस और मैंने जो फ़ेस वॉश चुना था उसमें नाइसना एक्टिव इन्ग्रीडियंट था मेरे पास अभी वो है नहीं पर मैं आपको बता देती हूँ मैंने जो फेस वॉश यूज़ करा था वो था अल्फ oh गुडनेस का सैंडलवुड फेस वॉश ओके वो फेस वॉश मैंने यूज़ करा था क्योर की बात आती है तो मैंने क्योर के लिए क्या किया मैंने अपने फेस को नॉर्मली अपने गुडनेस वाले फेस वॉश 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 से कर दी थी देन करने के बाद वॉट आई यूज टू डू गुड वाइफ्स का टी ट्री एंड पपाया फेस फेसरम आई नो गाइस गुड वाइफ्स के फेस सिरम की वजह से ही मेरे फेस की कंडीशन ऐसी हुई उसके बाद गुड वाइफ्स के दूसरे फेस सिरम की वजह से ही अभी मेरे फेस की कंडीशन बिल्कुल ठीक हुई है सो थिंग इज कंपनी बेकार नहीं होती है कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते कंपनी के कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से सूट करते हैं सो so, ऐसा होता रहता है कुछ कुछ चीज़ें नहीं अच्छी होती कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं सो so, मैंने क्या किया अपने फेस को वॉश करने के बाद आई यूज़ दिस ट्रीटरी एंड पपाया फेस सिरम दिस फेस सिरम इज़ लाइक वेरी गुड जस्ट वर्क लाइक मैजिक अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने एंड पिम्पल्स फेस कर रही है देन एक बार इस सीरम को आप जरूर ट्राई करें ये फेस सीरम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा सो so, अपने फेस को वॉश करने के बाद इस सीरम को जहाँ जहाँ एक्ने हैं उस जगह पे पर्टिकुलरली अप्लाई करके मसाज करके आई यूज टू मॉइस्चराइज माई फेस मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ करती थी हिमालय का फेस लोशन आलमंड फेस लोशन बहुत ही ज़्यादा माइल्ड फेस लोशन है और ये बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता था सो आई यूज़ टू प्रोडक्ट मेरा फेस वॉश के साथ में सिर्फ दो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी वो था गुड वाइब्स का टीटी एंड पपाया फेस सिरम और सेकेंड इसको यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइजर लाइक थ्री डेज के अंदर माय पिंपल वाज लाइक नॉर्मल बैक टू नॉर्मल मेरे फेस पे जितने भी एक्नेस वगैरह हो गए थे वो इंक्रीज होना बंद हो गए थे और धीरे धीरे जो हो चुके थे वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गए लाइक एक हफ्ते के अंदर डे आर लाइक वैनिश तीन दिन के अंदर इसने पर्टिकुलरली इस सिरम ने उन एक्नेस को कंट्रोल करके सप्रेस करने में, में मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी सो आई वॉज़ रियली वेरी इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट और मेरा ये मॉइस्चराइज़र चुनने का रीज़न ये था बिकॉज ये मॉइस्चराइज़र मेरे फेस को बहुत अच्छे से सूट करता है आप कोई भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जो आपको आपने बहुत टाइम से इस्तेमाल करा हो और आपको पता हो कि ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है वही मॉइस्चराइजर ले जरूरी नहीं है कि आप ये, ये वाला मॉइस्चराइजर नहीं आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं बट हाँ मेन जो इस चीज़ को क्योर करने में मेन जिसने अपना रोल प्रोवाइड करा है वो है ये पपाया एंड टी ट्री फेस सिरप टी ट्री होता है वो आपके फेस से एक्ने और पिम्पल को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सो दिस इज़ अ रीज़न कि मेरे फेस पे जो एक्ने की प्रॉब्लम थी उसको क्योर करने में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया सो so, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्ने से फेस कर रहे हैं तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप फोटोज़ दे देख सकते हैं और अभी की वीडियो देख देख सकते हैं कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा फेस कितना ज़्यादा सही हो गया है अभी बिल्कुल क्योर हो चुका है कोई भी सीवियर एक्ने वगैरह कुछ भी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ़ दिस प्रोडक्ट सो so, आप फेस वॉश और फेस मॉइस्चराइज़र अपने पसंद का ले सकते हैं वो ले सकते हैं जो आप पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं बट आप इसको सिर्फ अपने रूटीन में इंक्लूड कर लेना स्पेशली नाइट टाइम में मैंने इसको डे में कभी भी यूज़ नहीं करा नाइट टाइम पे यूज़ करा ऑयल वेज है बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्व हो जाता है और जितने भी एक्नेस होते हैं जब आप अगली सुबह उठते हैं तो यू कैन सी

Hit the subscribe button and the bell icon for a daily update and notification.